तो गाइस ये बेचारे पंजाब से आ रहे थे, मेरे से भी मेरे बराबर के बच्चे हैं, और आपको इनके पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। और देख सकते हैं बस हिलते हैं, थोड़ा सा हिलते हैं, और मुंह पे देख सकते हैं मास्क पहनना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विजन। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कार्टून, ऐसा पुतला जिसे देख के आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको उस पुतले को जिसे हमने बनाया है अपने ही हाथों से। बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है वो, और कभी कभी तो हमें भी डर लग रही है कि यार ये रियल में कौन है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको उस पुतले को, उस कार्टून को जिसके साथ हैं आदि। तो गाइज ये है वो पुतला, देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं मुंह में इसके मास्क लगा हुआ है और हाथों में इसने ठंड में ग्लव जाए। ये रात भर चौकीदारी करता है, सामने बोई हमने बरसीम अपने पालतू जानवरों के लिए, और आवारा जानवर इसे आके खा जाते हैं। तो इसकी रात भर चौकीदारी और ड्यूटी करता है ये पुतला हमारा वो भी इसने डंडा भी रखा है, देख सकते हैं गाइस। और साथ में आदि भी बड़े खुश हैं इसे देख के, और हम भी, और जो भी देख रहा है उसे एक बार देखते ही रह जा रहा है। तो आपको हम और करीब से दिखाते हैं इस पुतले को। तो गाय ये देख सकते हैं यार, ये क्या पुतला बना रखा है यार हमने। हमें भी यकीन नहीं था यार ऐसा बन जाएगा, ये बनते बनते ही ऐसा बन गया। सच में वास्तव में यार ये लग रहा है कि कोई सच में इंसान खड़ा है। देखिए यार क्या मस्त पुतला बना है यार, पीछे जम चुकी है बरसें। इसमें जो आवारा पशु हैं यार उनने बड़ा परेशान कर दिया था, फिर भी हमने चार वॉन्ट्री करी है, फिर भी वो इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं यार। देखो हमने ऐसा पुतला बनाया है कि इसे जानवर तो छोड़ो इंसान डर जा रहा है यार, बड़ा मस्त। देखिए यार आप भी बताइए यार कैसा बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ये है कालूमल हेलो कालूमल, देखो थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो गाइस ये बेचारे पंजाब से आ रहे थे, मेरे से भी मेरे बराबर के बच्चे हैं, और आपको इनके पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। और देख सकते हैं बस हिलते हैं, थोड़ा सा हिलते हैं, और मुंह पे देख सकते हैं मास्क पहनना है, और आंखों में पट्टी, और कान भी इनने ढक रखे हैं अपने, और टोपी पहन रखी है कि अगर बारिश आ गई धूप आ गई तो इनको ये, और पेट देख सकते हैं सारे बहुत खा के आ रखे हैं, इसलिए इनको खाना ना पीना चाहिए। ये दिन रात हमारे चार दिनों से हमारी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं, गायों के लिए और भैंसों के लिए ये बहुत काम आते हैं खेत में। और इस वीडियो को यार अधिक से अधिक शेयर करना ताकि इनको भी इनका घर परिवार मिल जाए यार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग इस चैनल में नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ओवर, बाय बाय और गुड बाय, और इनका भी ध्यान रखना यार।